हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर के एग्जांपल भी करेंगे और उसके रूल भी लिख लेंगे, ताकि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर सिग्निफिकेंट से क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी फिजिक्स में भी, तो हम लोग को क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो हम लोग सिग्निफिकेंट के रूल भी देख लेंगे और उस रूल के क्या एग्जाम्पल भी कर लेंगे, और आप लोग भी रूल नोट डाउन कर लीजिए और उसको समझ लीजिए, ताकि आप लोग कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर सिग्निफिकेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग को गलत नहीं करना है। तो ये लास्ट तक वीडियो देखिएगा और सभी रूल एकदम लिख लीजिएगा। इसमें सिग्निफिकेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग दशमलव, जो डेसिमल होता है, दशमलव और जीरो, इसी दोनों का खेल होता है। एक तो डिजिट होती है, नंबर होती है, तो नंबर जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ऐसे जो होते हैं, 10 नहीं, 10 में तो जीरो आ जाती है। तो ये तो सिग्निफिकेंट नंबर होते ही हैं, बट जो डेसिमल का खेल होता है इसमें, और जीरो, जीरो को सिग्निफिकेंट में यूज नहीं किया जाता है, बट ये रूल सभी जो हैं ये जीरो को कहते हैं हम सिग्निफिकेंट में यूज कराएंगे। तो ये कैसे यूज होता है, जीरो सिग्निफिकेंट में कैसे यूज किया जाता है, नंबर डिजिट में कैसे यूज किया जाता है, यही सिग्निफिकेंट का फिगर का खेल होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जीरो को कैसे सिग्निफिकेंट में यूज कराएंगे। अब सिग्निफिकेंट मीन्स क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट, एक ये नंबर ही डिजिट होती है, और इसमें एक कॉन्फिडेंट डिजिट होती है, एक डाउटफुल डिजिट होती है। तो ये देख लीजिए, अब ये लिख दिया गया 2, 3, 1.7, अब ये पॉइंट के बाद जो लगती है, जो लिखे जाते हैं डिजिट, वो डाउटफुल डिजिट होते हैं, और जो ये पॉइंट के पहले जो लिखे जाते हैं ये क्या होते हैं, एक्यूरेट डिजिट होते हैं या कॉन्फिडेंट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। तो ये हो गया अब आपका, अब ये आप इसमें अगर देखेंगे 2, 3, 1.7, तो इसमें तो जीरो है ही नहीं, इसमें सभी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट नंबर को एक एक नंबर जोड़ा जाता है, जैसे 2 है तो एक नंबर हो गया, 3 को एक नंबर जोड़ेंगे, 1 को एक नंबर जोड़ेंगे, और 7 को 1 नंबर जोड़ेंगे, दशमलव को नंबर में नहीं जोड़ते हैं। तो अब आप जोड़ लीजिए, 1 + 1 + 1 + 1, 4 हो गया, तो इक्वल टू 4। अब कितने सिग्निफिकेंट आए इसके, 4 सिग्निफिकेंट आए। तो अब आप लोग ऐसे ही करेंगे। अब इसका रूल देख लीजिए, आप रूल यहाँ से शुरू हो रहा है, देख लीजिए रूल कहाँ से शुरू हो रहे हैं, रूल यहाँ से। अब ये रूल आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए रूल को हम लोग देख लेते हैं, रूल क्या कहती है। रूल नंबर फर्स्ट है, ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कह रहा है कि ऑल द जीरो, जो जीरो तो सिग्निफिकेंट में नहीं यूज किया जाता, बट अगर ये दो नॉन जीरो के बीच में, जैसे दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ जाती है तो सिग्निफिकेंट में यूज की जाती है। ये बिटवीन टू नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया तो सिग्निफिकेंट में यूज कर लेंगे। तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, अब 4 सिग्निफिकेंट इसका हो जाएगा। तो ये हम लोग 4 सिग्निफिकेंट, ये एक रूल ये हो गया। अब सेकंड रूल देख लेते हैं, आर लीडिंग जीरो बिफोर आर आफ्टर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये कह रहा है आर लीडिंग जीरो, जितने भी पहले जीरो लिखे जाते हैं नॉन जीरो के पहले, ये देख लीजिए ये दोनों जो हैं 2, 3 नॉन जीरो हैं। अब इसके पहले जो जीरो लिखे जाते हैं, कह रहा है कि जो दशमलव लिखा गया, दशमलव के पहले और बाद में जो जीरो लिखे जाते हैं वो सिग्निफिकेंट में इंक्लूड नहीं किए जाते। तो अब ये 2, 3 तो सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इसके बाद दशमलव लगा है और कह रहा है दशमलव के पहले वाला जीरो और बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट में यूज नहीं किए जाते। तो इसमें सिग्निफिकेंट अगर ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया, यही दे दिया, और क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 ऐसे दे दिया कि सिग्निफिकेंट कितने होंगे, तो आप लोग निकाल लेंगे आराम से, 2 सिग्निफिकेंट होंगे, 2 पे क्लिक टिक कर देंगे। अब देख लीजिए नेक्स्ट में देख लीजिए, कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट ऑलवेज। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 2, 3, 4 ये सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। अब ये देख लीजिए सेकंड रूल, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट ऑलवेज। तो ये तो कह रहा है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, अगर जीरो रहेगा बिटवीन टू नॉन जीरो के बीच में तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो अब आप लोग इसमें देख लीजिए, दशमलव लगा है, दशमलव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जीरो जो है ये नॉन जीरो के बीच में है, तो 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट है। अब आप लोग एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ऑल द लीडिंग जीरो बिफोर आर आफ्टर, ये रूल तो हो गया, पहले मैं बता दिया हूँ कि ऑल लीडिंग जीरो बिफोर और आफ्टर, नॉन जीरो के पहले जो दशमलव लगा होता है, उस दशमलव के पहले और बाद में जो जीरो लगे होते हैं वो सिग्निफिकेंट में यूज नहीं किए जाते हैं। इसीलिए इसका देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट रूल, ऑल द ट्रेलिंग जीरो,
आल द, ये एकदम यहीं पे गलत हो जाते हैं जब हम लोग ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। आल द ट्रेलिंग जीरो, जो एंडिंग जीरो होते हैं, लास्ट में जो जीरो होते हैं, आर सिग्निफिकेंट एंड डेसिमल इन यूज। अगर लास्ट में जीरो लगे होते हैं और दशमलव यूज किया होता है, मान लीजिए 2, 3, 0, अब यहाँ तक हो गए 0.00। अब यही हम लोग को कन्फ्यूजन होता है, ये वाले 0.00 सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे, फिर या फिर ये 0 सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है आल द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट होते हैं एंड डेसिमल इन यूज। अगर डेसिमल को यूज किया जाता है तो उसके बाद जो जीरो लगाए जाते हैं वो भी सिग्निफिकेंट में यूज किए जाते हैं। तो अब आप लोग देख लीजिए, 1 सिग्निफिकेंट, 2, 3, 4, 5, 5 सिग्निफिकेंट होंगे, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है और आता भी है। ये देख लीजिए क्वेश्चन, इन रूल नंबर 4, इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट देन ट्रेलिंग जीरो में आर में नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर 15, इसमें कितना दिया गया है, 1500 दिया गया है, और कह रहा है कि अगर लास्ट में जीरो लिखे हैं और कोई दशमलव नहीं यूज किया गया है, तो जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट में यूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये कह रहा है कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट मोस्टली 2 सिग्निफिकेंट होगा। ये अगर नहीं, अगर ऑप्शन में 2, 3, 4 सब दिया गया है और ऑल ऑफ दीज नहीं दिया गया है, एक ही लगाना है, तो 2 आप लोग का सही हो जाएगा। और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में दिया गया है, तो आप ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पावर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, सिग्निफिकेंट पूछ लेते हैं कभी कभी। यह देख लीजिए, टू रिमूव अनसर्टेनिटी साइंटिफिक नोटेशन यूज्ड एज। अगर पावर ऑफ 10 किसी के पावर, 10 के पावर में हो सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसको काउंट हम लोग नहीं करते। जैसे ए प्लस 10 के पावर b, अब 10 के पावर b को हम लोग सिग्निफिकेंट में यूज नहीं करेंगे। तो ये देख लीजिए, 1.5 × 10 के पावर 3, ये 10 के पावर 3 को सिग्निफिकेंट में यूज नहीं किया जाता, सिर्फ 1.5, 2 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 1 और 5, और दशमलव को तो हम सिग्निफिकेंट में यूज करते नहीं, मतलब काउंट नहीं करते, तो 1 और 5, 2 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया है, 1.4536 × 10 के पावर 4, तो इसको तो काट दीजिए। अब 1 सिग्निफिकेंट, 2, 3, 4, 5, 5 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सिग्निफिकेंट आ जाएंगे। अब स्टूडेंट, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांस्टेंट वैल्यू हम लोगों को दी जाती है, जैसे पाई दे दिया, पाई का वैल्यू फिक्स होता है 3.14। एवोगैड्रो नंबर दे दिया जिसका 0.6.02 × 10 के पावर 23 हो गया, वो फिक्स वैल्यू होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, तो ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है। जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका सिग्निफिकेंट नंबर इनफाइनाइट होता है, मतलब कोई उसका वैल्यू होता ही नहीं, इन्फेनाइट होती है। तो ये देख लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू का सिग्निफिकेंट नंबर इन्फेनाइट होता है। तो ये तो एकदम आप लोग क्लियर कर लीजिए। अब ये कभी कभी पाई का वैल्यू अगर दे दिया, 3.14 दे दिया, मान लीजिए 3.14 पाई की वैल्यू होती है, और इसमें सिग्निफिकेंट पूछ लिया तो 3 होती है। अब यह देख लीजिए, एवोगैड्रो नंबर का सिग्निफिकेंट इन्फेनाइट होता है, पाई का सिग्निफिकेंट इन्फेनाइट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंट इन्फेनाइट होता है। तो अब आप लोग को एकदम ये सभी क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट किया गया है। मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट ट्रिक सभी कराए जाते हैं, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, जितने भी स्टूडेंट को कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना है गवर्नमेंट कॉलेज से करने हैं, तो मेरे चैनल पर काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी कॉन्सेप्ट ट्रिक सब कराए जाते हैं, जिसके थ्रू आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को, उसी पे ये सब PDF भेजे जाते हैं, और ये PDF आप लोग, उस पे लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जैसे भी कोई फार्म आती है 2020 इसी वर्ष UPUMS सैफई इटावा में, अभी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फार्म आएगी, जैसे ही फार्म आएगी या फिर मेरिट बेस होगा, वैसे तो फार्म ही आना चाहिए, जैसे ही फार्म आती है तो आप लोग को ज़रूर नोटिफिकेशन दिया जाएगा, तुरंत वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचित किया जाएगा। और ऐसे फार्म आने के चांस जो हैं UPUMS सैफई के, 10 दिसंबर तक आने के कोई ना कोई न्यूज आपको मिल ही जाएगी, 10, 12, 13 तक तो कोई ना कोई न्यूज़ मिल जाएगी, क्योंकि अभी 10-11 तक इनके यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के कोर्स के इंटर जो कोर्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम, अभी वो 10-11 तक चलेंगे, 10-12 तक फाइनल हो जाएंगे, तो आप लोग को ये पेपर कराया जाएगा। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।